सुबह के 7:15 बज रहे हैं। हमारे दोस्त प्रकाश सैनेकर, उनका दुकान और घर यहाँ पर है, और जिसका अनुमान था कि घोनस बड़ी तादाद में निकलते हैं। न्यास मेरे साथ में, उसके हाथ में कैमरा है, उसको ट्यूशन या स्कूल जाने के लिए देरी है, और मुझे भी सांप छोड़ने के लिए जाना था, लेकिन ज़रूरी था एक कॉल। और इस तरह से उन्होंने बताया कि स्लो वगैरह जा रहा है, तो घोनस रहेगा ऐसा मुझे लग रहा था। मुझे लग रहा है थोड़ा सा उसको बाइट वगैरह हुआ है। कुकर की चीज की तरह आवाज निकालना शुरू कर देता है, और सही में उसके मुंह को लगा है जैसा मेरा अंदाजा था। ऊपर में आ गया, नजदीक लो इसको, इधर तक आओ, ये तो जूम करो। ये आप इसके मुंह को देख रहे हैं, थोड़ा सा ये हुआ है, तो उसको किसी सांप ने अटैक भी किया हो सकता है। बहुत ही सुंदर सांप, और इतने बड़े सांप आस पड़ोस में लाइफ निकालते हैं। मेरे ख्याल से कल भी हमने इससे थोड़ा सा ऊपर ग्रीन वेब स्नेक पकड़ा था, और मेरे ख्याल से ये हफ्ते में 4-5 सबसे भी इस गली की बात कर रहा हूँ, सामरे गली आता है ये एरिया, इस गली की मैं बात कर रहा हूँ। और इकड़ दिसला तुम्हाला खूप कुठे होता इथं तुमचा तो इसको बंद करेंगे और संभल कर रहना बहुत जरूरी है। डर सच को छुपा कर नहीं किया जा सकते, सिर्फ एक सांप पकड़ने से हल होता है ऐसा नहीं है, आपको देखते रहना है। और खासकर झाड़ी वगैरह आस पड़ोस में है, ईट पत्थरों का ढेर, बरकत का पेड़ हो, वहाँ पर ही सांप ज़्यादा तादाद में निकलते हैं और ख़तरनाक हो सकते हैं अगर आपका हाथ पांव पड़ता है तो। घोनस लगभग 5 या 6 फीट लंबा रहता है, लेकिन 4 फीट के सांप दिखाई देते हैं, और ये सांप तकरीबन 5 साल के ऊपर का हो सकता है, और ये जारज यानी बच्चे पैदा करते हैं, और उसके बाद फरवरी के बाद ये मार्च के दरमियान बच्चे पैदा करते हैं, और बड़ी तादाद में निकलते हैं, और इसको पहचानना भी आसान है। देश में प्रमुख जो विषैले सांप हैं उस 4 सांपों में इसकी गिनती होती है। सबसे प्रमुख और ज़्यादा तादाद नाक के बाद ज़्यादा निकलने वाला सांप है। आप पर रुक के सांपों को बचाने का सफर जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो कुछ ही क्षण पहले पकड़ा हुआ हमने ये घोनस, उसको बचाया सही मायने में। तो ये देखिए अभी जाएगा इसको हाथ से, थोड़ा समय ये कर रहा हूँ, और ये झाड़ियों में इस तरह से जा चुका है। हमारे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकॉन बटन भी दबाए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये जानकारी पहुँचने के लिए शेयर कीजिए। धन्यवाद।